रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नंद भाभी किचन। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली, सब खैरियत से हैं जी? आज की हमारी मजेदार यम्मी यम्मी सी ठंडी ठंडी सी रेसिपी जी, हमने बनाई है मैंगो कस्टर्ड आइसक्रीम और बहुत ही मजेदार और देखे माउथ वाटरिंग है। आप भी घर में बनाइएगा और बाजार जैसी आइसक्रीम का मजा लीजिएगा। अच्छा, बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। मिल्क ले लेना है आप 1/2 kg है, ठीक है। इसमें मैंने जो मिल्क पाउडर होता है ना एवरीडे या कोई सा भी आपके पास हो तो वो आप ऐड कर दो, उससे स्ट्रक्चर बड़ा मजे का आता है और टेस्ट भी बहुत डेवलप हो जाता है, मजेदार सा आ जाता है। अब इसमें 4 tablespoon मैंने ले लिया दूध में, उसको ऐड कर दिया था कस्टर्ड पाउडर को, उसको अब मैं मिक्स करने जा रही हूँ दूध में, ठीक है। दूध की क्वांटिटी भी इतनी ज्यादा नहीं हमें चाहिए होती है, वह आम सा आपने कस्टर्ड बनाना जैसे आपने घर में बनाते हैं, लेकिन इसका जो टेक्सचर है ना वो थोड़ा सा आपने वो थिक सा रखना है, ठीक है, ताकि वो हमारी जो आइसक्रीम है वो मजेदार सी बने। अब इसमें जा रहा है शुगर ऐड हो रही है। शुगर का मैं आपको बता दूं, वो आप मैंने इसमें क्वांटिटी नहीं बताई है, क्योंकि शुगर जो है ना वो आप अपने हिसाब से ऐड करेंगे, ठीक हो गया ना, क्योंकि आजकल जो मैंगोज हैं और जैसे कि मतलब शुगर है उसका भी मीठा कुछ इतना नहीं होता। जैसा अप्लाई करें आप ऐड कर सकते हैं, आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। आइसक्रीम तो ज़्यादा ज़्यादा मीठी हो तो वही अच्छी लगती है। हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दें, बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली आए और आप उसको वॉच कर सके। और प्लीज वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। ये देखिए, अब मैंने जो कस्टर्ड है इतना मैंने थिक कर लिया, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इतना थिक कर लेना। अब हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे साइड पे, जब तक ठंडा होगा हम करते हैं मैंगोज की कटिंग। जबरदस्त, ये जो मेन पॉइंट है, जो मेन चीज है, मैंगो लवर्स जो है ना ये उनके लिए तो बहुत ही फेवरेट और बहुत ही मजेदार रेसिपी है, आइसक्रीम जरूर ट्राई करें। ये देखिए मजेदार से, अब अजी कटिंग भी बता रहे हैं भाई आपको, ये देखें कैसे कटिंग करने हैं आपने। अच्छा, जरूरी नहीं है आप ऐसे कटिंग करें, हम तो वैसे ही ऐसे कटिंग कर रहे हैं, लेकिन आपने क्योंकि हमने ये ब्लेंड करना है, ठीक है, इसको ब्लेंड करना लाजमी है, बीट अच्छे से नहीं होगा, पहले आप इसे ब्लेंड करेंगे फिर आप इसे बीटर से बीट करेंगे, ठीक हो गया ना। अच्छा, मैंगो का आजकल टेस्ट जो है जो इतना वो नहीं है, स्वीट नहीं है, ठीक है, आपने इसमें शुगर ऐड कर लेनी है, ठीक है, अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आप लाइक कर सके। ये देखें, ठीक है, ये कटिंग हो चुकी है, अब इसको ब्लेंड करने जा रही हूँ, तो साथ में मैं करूंगी अब क्रीम बीट, मेरे पास है 1 packet क्रीम बीट है, इसको लेंगे बीट, और बीट आपने ध्यान रखना है बहुत ज्यादा नहीं करना, वो वाला बीट नहीं करना जो हम मतलब केक पे यूज करते हैं क्रीम, ठीक है, वो फ्लफी सा नहीं बनाना हमने, बस जरा एक स्मूथ सा इसका हमने बना लेना, ठीक हो गया ना। ये बीट हो रहा है, मजेदार सी क्रीम बीट हो रही है मजे से, ठीक हो गया ना। दूसरी साइड पे मैंने ब्लेंड कर लिया मैंगो के, ठीक है, जो मैंने क्यूब्स कट किए थे उसमें चीनी ऐड करके, ये देखे ब्लेंड। अच्छा, ब्लेंड कर लिए इसलिए ताकि हमें ना बीट करने में इजी रह जाए, ठीक है, ठीक हो गया। और बीटर भी हमने बहुत ज्यादा नहीं चलाना है, ठीक है, बीट भी हमने बस थोड़ा सा ही करना है, मिक्स हमें ये लगे कि चीजें जो मिक्स और जो मैंगो है वो मिक्स हो गया, ठीक हो गया ना। अब हमारा क्या रह गया है जी, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो भी आप देखिएगा, अभी बहुत ही हम क्यों बताएं, आगे देखें ना, आगे देखें, ठीक है, वो जो हमारा कस्टर्ड जो ठंडा हो चुका था। अच्छा, याद रखिएगा आपने जो कस्टर्ड अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, रूम टेम्परेचर में कर लें, उसके बाद हम फ्रिज में थोड़ी देख रहे, ये देखें, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, साथ साथ बीटर ऐड कर अपना चलाते जाएंगे और मजेदार सा हमारा ये बस हमारा क्रीम का ये टेक्सचर तैयारी हो गया, ठीक है। ये देखें जी, येलो येलो मैंगो आइसक्रीम, ठीक है, और आप बनाएं अपने बच्चों को घर की आइसक्रीम खिलाएं, बच्चे वैसे भी यार डेली फरमाइश होती है आइसक्रीम की। अच्छा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का भी लिंक दूंगी, ठीक है, वो भी आपने लास्ट में देखनी है, वो भी सेम इसी मैंने बनाई है और बहुत ही मज़ेदार बनती है, ठीक हो गया, यही मेथड है मेरा तकरीबन, ठीक हो गया ना। अब हम इसको रख देते हैं फ्रीजर करने के लिए, लेकिन एक चीज़ मैं इसमें डिफरेंट एक ऐड करना चाहूँगी, वो मैं आपको लाजमी बता देती हूँ, इसमें क्रंच को और खट्टा मुट्ठा सा आपने अगर टेस्ट लाना हो ना तो आप कैंडीज के को क्रश कर लीजिएगा, कैंडी जो है ना वो कोई सी भी ले सकते हैं, मतलब मैंगो कैंडी ले लें या कोई भी ऑरेंज कैंडी या जैसी भी खट्टी मीठी कैंडी ऐड करते हैं वो ले लीजिएगा, उसको मैंने कर लिया क्रश और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ, ताकि जब आइसक्रीम खाएं तो हमारी खट्टी मीठी सा एक टेस्ट भी साथ में आए। देखे ना, मैंगो आइसक्रीम में क्रंच का भी टेस्ट लेके आ गया, टेस्ट आएगा, साथ में खट्टा मीठा टेस्ट भी आएगा जी, और आपको खाने में डिफरेंट टेस्ट आ गया, ठीक है, जबरदस्त जी, बहुत ही मजेदार सी रेसिपी भाभी, ये तो रेडी हो रही है, मुझे तो देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा जी, आपने इसको रख लेना है, ठीक है, 5 to 6 hours फ्रिज में, ठीक है, फ्रीजर में सॉरी, ठीक हो गया ना, ताकि अच्छी से ये फ्रीज हो सके और हमारी आइसक्रीम को भी हम, ये देखें हमारी जो तकरीबन रेडी हो चुकी है, अब हम करते हैं इसके, ठीक है, इसकी डेकोरेशन रेडी करते हैं। ये देखिए, हम पिस्ता बादाम मैंने ऐड कर दिया ताकि आइसक्रीम का और भी मज़ा दुबाला हो जाए, साथ में हमने चॉकलेट भी ऐड कर दिया ताकि हाँ बच्चे आइसक्रीम उठाएं और साथ साथ में चॉकलेट भी खाएं। बिल्कुल जी, देखिए मज़ेदार और डबल डबल मज़ा लें आप लोग, साथ में नट्स का भी और साथ में चॉकलेट का भी, और इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ आएंगे, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।